नमस्कार, मैं हूँ रेखा कुमार। मेरा चैनल चटपटा खाना में आपका स्वागत है। आज हम कच्चे केरी का मुरब्बा बनाने वाले हैं। इसे बना करके हम 4 से 5 महीने तक रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए कच्चे केरी का मुरब्बा बनाते हैं। कच्चे केरी का मुरब्बा बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो कच्ची केरी ली है, आधा किलो चीनी ली है, थोड़ी सी केसर डालेंगे हम इसमें, 5-6 इलायची, थोड़े से काजू, थोड़ा सा पिस्ता और थोड़े से बादाम लिया है। आप ड्राई फ्रूट्स आपके हिसाब से ले सकते हैं। हमने केरियों को पहले अच्छी तरह से धो करके और साफ़ कपड़े से पोंछ लिया था। अब हम सबसे पहले इनको छील करके और इनको कद्दूकस करेंगे। तीनों केरी को कद्दूकस कर लिया है और ये जो गुठलियाँ बची है इनको फेंकना नहीं है। इन गुठलियों को आप सुखा दें धूप में और इनको फोड़ने के बाद अंदर से जो गुठली निकलती है उसका अचार या सब्जी बनती है। मैंने अपने चैनल पे पहले इसकी रेसिपी डाल रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर के रेसिपी को देख सकते हैं। अब हम कद्दूकस की हुई केरी को एक बार छान लेंगे। ये अच्छी तरह से दबा करके हमने ये इसका खट्टा पानी निकाल दिया है। ये थोड़ा सा इसका खट्टा पानी निकला है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें ये चीनी डाल देंगे। अगर केरी ज़्यादा खट्टी है तो आप चीनी और बढ़ा सकते हैं। एक बार आप केरी चक करके देख लें। इसको अच्छे से मिला देंगे। इसको ढक करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तब हम ड्राई फ्रूट्स काट करके तैयार कर लेंगे और इलायची को पीस लेंगे। चीनी गल चुकी है अच्छी तरह से। अब हम एक पैन में कद्दूकस की हुई केरी और चीनी जो हमने मिक्स कर रखी थी वो इसमें डाल देंगे और करीब 10 से 12 मिनट तक हम इसे चलाते रहेंगे। करीब 10 मिनट हो गए हमको इसे पकाते हुए और अब हम इसमें थोड़ी सी केसर डाल देंगे। केसर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहें तो नहीं डालें। थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू डाल देंगे, थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे, इलायची पाउडर और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और 1 मिनट और हम इनको पकने देंगे ताकि काजू बादाम थोड़े नरम हो जाए। हम इसे 10 या 12 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना मुरब्बा चिट्ठा हो जाएगा। 1 मिनट हो गया है, अब हम गैस बंद कर देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको एक जार में भर लेंगे। अब हम इसे थोड़ा गार्निश कर लेंगे। तो लीजिए, केरी का मुरब्बा बनकर तैयार है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी इसी तरह से केरी का मुरब्बा एक बार ज़रूर बनाइए। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरा चैनल चटपटा खाना को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।